प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने वाले दो शख्स कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के परिवार के दो अहम किरदारों को लोकसभा में भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। कमलनाथ के पुत्र नकुल नाथ को छिंदवाड़ा से और ज्योतिरादित्य सिंधिया की धर्मपत्नी प्रियदर्शनी राजे को ग्वालियर से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं की ऑन डिमांड बाजार में पहुंच गई है। दरअसल मोदी को मात देने के लिए प्रियंका कार्ड खेलने वाली कांग्रेस लोकसभा उम्मीदवारों के चयन में किसी तरह की रिस्क नहीं लेना चाहती। साथ ही मध्य प्रदेश में अल्पमत की सरकार के चलते यहां से भी किसी भी विधायक को चुनाव मैदान में नहीं उतारना चाह रही है। इसी का परिणाम है कि अब ऐसे नामों पर बाजी लगाई जाने का प्लान है जो कांग्रेस की अपेक्षाओं पर 100% खरे उतर सके। इस सवाल पर कांग्रेस जहां इस अंतिम मोहर के रूप में हाईकमान की प्रतीक्षा कर रही है, तो भाजपा का कहना है कि वंशवाद कांग्रेस की रग रग में है। जनता सब जानती है, चुनाव में जवाब मिल जाएगा। कहां से कौन चुनाव लड़ेगा ये तो प्रबंधन कमेटी तय करेगी और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। अब क्षेत्र में पकड़ या क्षेत्र में जनता की मांग और जो हम लोगों की रिपोर्ट्स आएंगी उसके आधार पर तय होगा। हो सकता है कि आप जिन नामों को आगे बढ़ा रहे हैं शायद वे नाम भी चुनावी मैदान में हो, पर ये सारी चीज़ें प्रबंध कमेटी और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। देखिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और मध्य प्रदेश में स्वाभाविक है कि कमलनाथ जी अब मुख्यमंत्री हैं तो नकुलनाथ जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी महासचिव हैं, तो स्वाभाविक है कि प्रियदर्शनी जी, इसके पहले दिग्विजय सिंह जी के भाई लक्ष्मण सिंह जी, उनके बेटा जयवर्धन जी, तो तमाम एक नहीं कई नेताओं के अपने परिजन एक साथ राजनीति में काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर वंशवाद एक रोग है लोकतंत्र का, ये नव सामंतवाद है, लोकतंत्र पर करारा हमला है। वंशवाद के नाम पर अपने बेटा बेटियों को थोपने का जो उपक्रम होता है वो लोकतंत्र को चोट पहुंचाता है। लोकतंत्र में तकाजा राजनीतिक दल के नाते राजनीतिक दल को भी जिम्मेवारी निभाना होती है। मुझे लगता है कि जनता 2019 की सब जानती है, पहचानती है, उसके दृष्टि से ही अपना जवाब देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज, भोपाल। लोगों के लिए लड़ाई, फिर लोग ही सबसे पीछे। जनता के लिए वायदे, फिर फायदे में जनता ही पीछे। आवाम के लिए सियासत, फिर हुकूक में आवाम ही पीछे। पब्लिक फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज का ऐसा मंच जहां सिर्फ और सिर्फ आपके मुद्दे पहले, आपकी आवाज फर्स्ट। देखिए पब्लिक फर्स्ट, वॉइस ऑफ पब्लिक, ओनली ऑन इंडिया फर्स्ट न्यूज।